नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि का आज का शब्द है ओले। आज बात करेंगे किसानों की। हाल में हुई बारिश ने किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। किसान कई जगह तो काफी खुश नजर आए लेकिन कई जगह परेशान, और उसकी वजह है ओले गिरना। हालांकि अभी नुकसान का कोई आंकलन नहीं हुआ लेकिन इस पर भी सियासत गरमाने लगी है। विपक्ष अब इसी बहाने फिर से बीजेपी को किसान विरोधी करार देने की कवायद में जुट गया है। तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर सिर्फ और सिर्फ किसानों के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाया। अब सवाल यह है कि किसानों के मुद्दे का समाधान करने की बजाय उस पर सियासत क्यों होती है? आज इसी मुद्दे पर बात, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। किसानों पर कुदरत की मार, मुआवजे पर सरकार और विपक्ष में तकरार, किसान की अब कैसे होगी भरपाई, अन्नदाता की सरकार करेगी सुनवाई। हरियाणा में फिर से किसानों के मुद्दे पर सियासत गरमाने लगी है। अब मुआवजे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। कुमारी सैलजा ने ओले और बारिश की वजह से हुए नुकसान की गिरदावरी कराने की मांग को लेकर सीएम को चिट्ठी लिखी है। अब इसी बहाने कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और कांग्रेस फिर से बीजेपी को किसान विरोधी बता रही है। ओलावृष्टि की हर बारी मांग होती है लेकिन देना दाना सरकार कैसे देता है? कुछ नहीं देती। मांग तो अभी कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं बनेगा। पिछले रिकॉर्ड को देख के हम कह सकते हैं कि ये सरकार किसान विरोधी है। किसान के फायदे का कोई भी काम, मदद का कोई भी काम ये सरकार नहीं करेगी। वहीं बीजेपी भी पलटवार कर रही है। उसका आरोप है कि सिर्फ किसानों के नाम पर कांग्रेस सियासत कर रही है। आपस में लोगों को भिड़ाना और ये किसानों की बात करते हैं, किसान के विरोधी हमने फैसले हैं, किसानों के हित में हमने फैसले लिए इतने, और जो मुआवजा जो हमने मुआवजा दिया है ये कांग्रेस को भी अच्छे भले पता है कि उनकी जो ये राजनीति अब यहाँ नहीं चलने वाली है। किसानों पर सियासत हो रही है और किसान अपनी समस्याओं से परेशान हैं। खैर, पहले कृषि कानून पर सियासत गरमाई, अब कुदरत की मार पर बवाल हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि इस सियासत से किसानों को क्या फायदा? कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो चलिए इसी मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए। मैं मेहमानों का परिचय करा देता हूं। आपको बता दें कि शमशेर गोगी हैं हमारे साथ, विधायक कांग्रेस के। शमशेर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राकेश कुमार रहेंगे, किसान नेता है। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजेंद्र नेहरा रहेंगे हमारे साथ, प्रवक्ता है बीजेपी के। विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राकेश कुमार जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। राकेश जी, वाकई में क्योंकि ये शोर बेवजह हो रहा है या वाकई में बहुत ज्यादा नुकसान है? क्योंकि इतनी नुकसान की खबरें अभी हरियाणा से है नहीं ओले पड़ने की वजह से। हालांकि एक आध दो जिले से खबरें आई कि हिसार में ओले पड़े नुकसान हुआ, सिरसा में ओले पड़े नुकसान होने की खबर है, फतेहाबाद में हुई। राकेश जी, आप मेरे सवाल सुन पाए? जी जी जी, बिल्कुल सुन पाया जी। सर कुछ सिरसा और जो है उस बेल्ट में ओले पड़े हैं जिससे किसान की फसल बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वहाँ की सिरसम जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है क्योंकि ओलावृष्टि बहुत ज्यादा हो गई जिससे किसान को सीधा सीधा नुकसान हुआ है जी। तो राकेश जी, क्या इतना नुकसान हुआ है कि मुआवजे की जरूरत है सरकार से? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। क्योंकि जो जितनी ओलावृष्टि हुई है उससे बिल्कुल खेत बिल्कुल खाली हो चुके हैं जो कि सिस्टम के हैं, उनको तो बिल्कुल मुआवजा तुरंत मिलना चाहिए क्योंकि किसान ने लागत लगा चुका था। अब जो है किसान के पास आगामी फसल बोने के लिए पैसा नहीं है, उन्हें तुरंत मुआवजे की सख्त जरूरत है। तो राकेश कुमार जी, कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो ज्यादा प्रभावित हुए हैं? यही तीन जिले आपने जिनका नाम लिया, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद, इन्हीं तीनों जिलों में बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पे सूखी ठंड पड़नी शुरू हुई थी, वहां पे रेतीला इलाका है और इसी कारण जो है ओलावृष्टि वहां पे ज्यादा हुई। ठीक है नेहरा साहब, कोई सरकार एक्शन लेगी, गिरदावरी कराएगी? क्योंकि बाकायदा विपक्ष की तरफ से मांग उठाई जा रही है। विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार सोती रहती है, हमें जगाना पड़ता है। देखिए जयप्रकाश जी, मैं बताना चाहूंगा, आपको आवाज आ रही है जयप्रकाश जी मेरी? बिल्कुल आ रही है, आप कहिए।
जयप्रकाश जी, देखिए सबसे पहले तो क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है और क्योंकि मैं स्वयं एक किसान हूँ, गांव में रहता हूँ, हालांकि हमारे फरीदाबाद में तो इसका कोई नुकसान नहीं है क्योंकि ओले वगैरह की ऐसी भगवान की कृपा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ जिलों जैसे हिसार के अंदर या एक दो जिलों में और इस तरह की दिक्कत है कि जहाँ पे ओले की शिकायत जो मिली है। और इसमें जयप्रकाश जी, क्योंकि अभी गेहूं की बुवाई हो रही है और सरसों की बुवाई हो रही है, तो जरूर इसकी वजह से गाँव की भाषा में अगर मैं बात करूँ तो इसको रफरा बोलते हैं कि वो जब उसमें बारिश तेज हो जाए या फिर ओले पड़ जाए तो वो फसल जो लगाई है, जिसकी बिजाई की है, वो निकलती नहीं है, इसलिए नुकसान है बिल्कुल। और इसके साथ साथ किसान के साथ में पूरी तरह से हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो खड़ी हुई है। आपने जो मुआवजे की बात की, बिल्कुल किसानों को मुआवजा मिलेगा जहां जहां नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ जयप्रकाश जी, आप सबको ध्यान होगा कि जब हमारी सरकार आई थी 2014 में, तो उसके साथ ही जब गेहूं की खड़ी फसल पे ओले पड़े थे, तो हरियाणा प्रदेश के इतिहास में मैं ऑन रिकॉर्ड सीना ठोक के ये बोल सकता हूं कि जिस तरह से मुआवजा बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, हरियाणा के इतिहास में किसी ने नहीं किया। एक एक किसान को दो दो तीन तीन लाख रुपए का चेक मिला था, जबकि कांग्रेस के राज में 2-2.5 रुपए का चेक देने का काम कांग्रेस मुआवजे का काम करती थी। जयप्रकाश जी, पीएम फसल बीमा योजना के तौर पर 812 करोड़ रुपए का प्रीमियम लेकर 2662 करोड़ रुपए किसानों को देने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अगर टोटल अमाउंट की मैं बात करूं तो 5800 करोड़ से ज्यादा मुआवजा हमारी सरकार किसानों को अब तक दे चुकी है। और कांग्रेस सरकार ने क्या किया था? हाँ। कांग्रेस सरकार के राज में 2-2.5 रुपए के। विजन जी आप कह रहे हैं कि आप अगर नुकसान हुआ है तो आंकलन भी होगा और मुआवजा भी दिया जाएगा, लेकिन आपने तुलना कांग्रेस कर दी, वो गोगी साहब बताएंगे। गोगी साहब, पहले तो आपसे जाएंगे, आपके इलाके में किसानों को क्या नुकसान हुआ है और कितना नुकसान है, और क्या मान रहे हैं कि सरकार उनकी मदद करेगी? जीपी साहब जी, यहाँ पे तो इन्होंने पहले ही इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया, ये कोई झूठ थोड़ी है। खुद ही मेहरा साहब कह रहे हैं कि ये नेचुरल क्लैमिटी है। अगर किसी का नुकसान हुआ है और उसके लिए मुआवजा मांगना कोई राजनीति बात थोड़ी है, किसी को भड़काने की बात थोड़ी है। बीजेपी को दिक्कत क्यों हो रही है? बीजेपी खड़ी होके कहे कि हम मुआवजा देंगे, हम गिरदावरी कराएंगे, और पहले भी जितनी गिरदावरियां कराई हैं उसका पिछला हिसाब दे दे। आप वैसे बोल देने में भी इतने करोड़ रुपए दे दिए, उससे तो किसान का पेट नहीं भरेगा। जिनका नुकसान हुआ, मेरा क्षेत्र जो है, मेरा हल्का उसके अंदर आता है, आज के दिन भी करनाल डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा तूफान आया, असंध में ओले पड़े हैं, जो फसल बोई हुई थी वो दोबारा बोनी पड़ेगी, कितना बड़ा नुकसान है। इसको ये नुकसान ही नहीं मानते। जब पहले जीरी की फसल आई, बाढ़ आई, तो मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की तो वो कहते हैं कि अभी तो फसल जो है वो मतलब पकी नहीं, नुकसान कैसे हो गया। मैं कहता हूं जो फसल लगाई गई है अगर वो डूब जाए और खत्म हो जाए तो क्या वो नुकसान नहीं है, जिसमें 2500-3000 रुपये की तो खाद पानी ये सारा खर्चा हो गया, 3000-3500 रुपये लुवाई के दे दिए। तो अभी सिरसा में वहां जहां पे सरसों जो है उनकी तो वही रोटी रोजी है, अब सरसों बोई जाएगी तो लेट हो जाएगी, गेहूं का फसल भी लेट बोया जाएगा। ये सारा आकलन करना चाहिए सरकार को, इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। विरोध कोई इसलिए नहीं हो रहा है कि इनसे भीख मांग रहे हैं। योगी साहब, आपको मानना, किसान गरीब आप मानते हैं, योगी साहब हुआ है, योगी साहब आपको आप मानते हैं क्या जो सरकार है वो सिर्फ विपक्ष के जगाने पर जगती है, क्योंकि कुमारी सैलजा ने चिट्ठी लिखी तब जाके अब ये मसला उठ रहा है, वरना सरकार ने तो कोई फैसला नहीं लिया। राय नहीं है किसान के बारे में, इनकी जो हमदर्दी है वो जग जाहिर है, और इनकी हमदर्दी की वजह से पूरा किसान आज सड़कों पे है। वरना तो अगर इतना प्यार होता इनको तो किसान आज इनकी प्रशंसा में धरने नहीं देता। इनके मतलब जो गीत गाए जा रहे हैं, अब पूरे हिंदुस्तान में आप देखो किसानों के साथ इन्होंने क्या किया है। तो आज अगर किसान का नुकसान हुआ है, वो प्राकृतिक आपदा की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, सरकार होती इसलिए है कि जिसका नुकसान हुआ है उसको भरपाई करे। और ये ईमानदारी से अगर काम करें तो विपक्ष को मौका ही क्यों मिले। जब ये किसान का विरोध जग जाहिर है इनका, तो फिर विपक्ष तो अपना काम करेगा ही ना, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, वो ये मुद्दे उठाएगा ही। बिल्कुल नरेंद्र साहब सवाल यही है ना, अगर कुमारी सैलजा जी चिट्ठी लिखती है तब आप जाग रहे हैं, ये तो सरकार को खुद से गंभीरता से लेना चाहिए। आप पहले ही किसानों पर घिरे हुए हैं,
किसानों की वजह से आपने देख लिया बड़ौदा में आप लोगों का क्या हाल हो गया, तो सर आप लोग जागते क्यों हैं? आपके सीएम को पहले ही दे देना चाहिए था कि भाई अगर देखिए अभी ओले पड़े और जहां जहां जैसी स्थिति होगी तो हम फौरन इसका गिरदावरी कराएंगे, आकलन कराएंगे। एक 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 बात ठीक है, गोगी साहब कुछ कह रहे फिर हमें रिएक्शन होगा। नेहरा जी हाँ जी, शैलजा को चिट्ठी लिखनी क्यों पड़ी? हाँ वही सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए जयप्रकाश जी, ये जो ओला की जो दिक्कत आई है कहीं कहीं किसी किसी जिले में, वो परसों की घटना है और अभी एक दिन बीच में निकला है, तो किस तरह की बातें आप कर रहे हैं? ये क्या कांग्रेस के लोग बैठ के किसानों को बरगलाने का जो काम कर रहे हैं? अब सरकार ने स्वयं संज्ञान लिया है, अगर मान लो कांग्रेस वाले कुछ करते हैं, सरकार उसमें कोई इनिशिएटिव लेती है? जहां जहां देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जयप्रकाश जी, किसानों के पूरी तरह से साथ है, ये किसानों की सरकार है, गरीबों और मजदूरों की सरकार है और हम किसानों के पूरी तरह से साथ है। जहां जहां नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा किसान भाइयों को मिलेगा। मैं इनसे सवाल करता हूं, इन्होंने सवाल किया कि भाई हम बहुत किसान हितैषी हैं, तो आप मुझे ये बता दीजिए, मैं डंके की चोट पे ऑन रिकॉर्ड आपको कैमरे पे बोल रहा हूँ ना, आप निकाल लीजिए, हमने 812 करोड़ रुपए का प्रीमियम लिया, 2662 करोड़ रुपए मुआवजे दिए, टोटल मुआवजे की अगर अपनी सरकार में बात करूं तो 5800 करोड़ रुपए दिया, आपने 200 करोड़ रुपए दिया, आप दो ढाई ढाई रुपए के चेक देते थे, मेरे पास फोटोकॉपी रखी हुई है, आपको फोटोकॉपी दिखा सकता हूं, हमने 500 रुपए कम से कम मुआवजा कर दिया, हमने आपके टाइम में एक एकड़ का 6000 रुपए मुआवजा मिलता था पीएम फसल बीमा योजना के तहत, हमने उसको बढ़ा करके 12000 रुपए किया, तो आप कहां मुकाबले में ठहरते हैं? और जहां तक जयप्रकाश जी आपने बड़ौदा की बात की, भारतीय जनता पार्टी पहली बात तो एक सेंट्रल पार्टी है, 58 सीटों के उपचुनाव में से 42 पे हम जीते और बिहार में और सब्जी के हम जीते, दूसरा इनकी जमानत जब्त हुई हर जगह। अगर बड़ौदा की बात करें जयप्रकाश जी, वो बड़ौदा की पार्टी, बड़ौदा की हार को नेहरा साहब ऐसे नहीं छिपा सकते ना, बिहार में जीतने से हरियाणा नहीं जीतता, बड़ौदा में भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं थी, हरियाणा में पहले भी कांग्रेस थी आज भी कांग्रेस है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं मारा इन्होंने, अपनी जीती हुई सीट को दोबारा से अगर जीता है, जनरल इलेक्शन में भी हरियाणा में आ रहे थे और अब भी आ रहे हो, काम नहीं किया है। इसके साथ साथ जयप्रकाश जी देखिए सुनिए, मैं इनकी बात इनके बीच में नहीं बोला था, जयप्रकाश जी आज माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर जी और हमारे पूरी सरकार क्यों लगी हुई थी अगर हमने जीतने का काम किया, सीट तो हमारी थी, किसानों के काम करते हैं। आप मुझे बताइए जयप्रकाश जी, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जब कहा था तो उन्होंने अपने कृषि मंत्री रहते हुए स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें उनको लागू कराने का काम किया, इसके साथ साथ फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य देने का काम किया, पीएम फसल बीमा योजना के तहत जो खराब हुई है उसके स्वामीनाथन की तो आज भी लागू भी हुई, 12000 रुपए करने का काम किया और पढ़ी लिखी पंचायतों को लाने का काम किया हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने। इसके साथ साथ मैं इनको बताना चाहूंगा, जो ये बात कर रहे हैं स्वामीनाथन जी की, 2017 में स्वयं स्वामीनाथन जी ने ट्वीट करके कहा कि मेरी योजनाओं को सच में अगर कोई लागू कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या उसको भी ये झूठ मानेंगे? और ये लोग खुद अपने समय में 10 साल तक स्वामीनाथन जी की सिफारिशों को क्यों लागू नहीं कर पाए? आप ट्वीट की सिफारिशों को क्या करवा लेते हो? आप किसान हितैषी होने का ढोंग नक्शा बना देते हो और किसानों के लिए कोई काम ठीक है। नेहरा जी, गोगी साहब काउंटर कर रहे हैं आपकी बात का, ठीक है गोगी जी कहिए, गोगी जी कहिए, आप क्यों लागू नहीं कर पाए स्वामीनाथन जी सिफारिशों को? मेहरा जी की बात ये ठीक है, कहिए मेहरा जी को, एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूरा पूरा देश जो है मीडिया जो है के माध्यम से सुन रहा है, स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट क्या है मेहरा जी को वो मालूम है? सर ये तो बस डिडोरा पीट रहे हैं कि हमने सारे बिंदु उसमें लागू कर लिए, अब तक नहीं होती, मुझे सब मालूम है, आप जवाब दीजिए, सारा ये टोटली 100% सफेद झूठ है। स्वामीनाथन योग के अंदर C2+ प्रॉफिट मिलना चाहिए था, आज तक C2 तक तो बात ही नहीं पहुंची, जैसे पहले रेट बढ़ता था वैसे ही है। स्वामीनाथन योग अगर इन्होंने लागू किया होता, आप मुझे यह बता दीजिए स्वामी जयप्रकाश जी, एक सवाल है मेरा, हमारी सरकार को जब स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई, नेहरा साहब आप सिर्फ ढिंढोरा पीटते हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई अभी, सिर्फ आप कहते हैं कि हमने बिंदु डाल दिए सारे, हमने वो बिंदु पूरा कर दिया, आज तक लागू नहीं हुई है। और ये बीजेपी का वादा था, प्रधानमंत्री इनके जो हैं वो कहते थे हम स्वामीनाथन योग रिपोर्ट पे लागू करेंगे, खड़े होकर कहा है कि हमने स्वामीनाथन जी की 301 सिफारिशों में से 300 को लागू कर दिया। अगर इतने अच्छे लोग होते ये कानून बनाई है, सड़क पे किसान मर रहे हैं, खड़े होकर के लोग ये जो सड़कों पे किसान मर रहे हैं ये किसकी देन है? ये जो इतनी ठंड के अंदर सारे के सारे किसान सड़कों पे बैठे हैं, पूरा देश का किसान रो रहा है, ये भी तो मोदी जी की और तोमर जी की देन है, ये मेरा जी कहीं ऊपर से गिर गई? किसने डिमांड की थी ये 3 एक्ट बनाने की? चैलेंज करिए ना,
ये तीन एक्ट जो बनाए किसने डिमांड की थी, जिसकी वजह से किसान रो रहा है आज के दिन पूरे देश में। नेहरा साहब, नेहरा साहब, कोस रहा है, एक सवाल है, झूठ बोल रहे हो। गोगी साहब जो सवाल उठा रहे हैं, नहीं ठीक है गोगी साहब, रुकिए एक मिनट। नेहरा साहब आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक है, आप कहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हमने लागू कर दी, लेकिन बिंदु लागू किए कुछ बिंदु, तो आप करवा दीजिए ना। अगर आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कर दी तो अपने मुख्यमंत्री से ट्वीट करा दीजिए, ओपी धनखड़ साहब से भी बयान दिलवा दीजिए कि पूरी तरह लागू हो चुकी है जी स्वामीनाथन आयोग की, और सरकार बहुत अच्छा कर रही है किसानों के लिए, कहलवा सकते हैं क्या आप? जयप्रकाश जी शायद आपने ध्यान नहीं दिया, हमारे अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई होती तो किसान सड़क पे नहीं बैठा होता। आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने और देश के केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी ने लोकसभा में डंके की चोट पे खड़े होकर कहा है कि स्वामीनाथन जी की 301 अनुशंसाओं में से 300 को लागू कर चुकी है मोदी सरकार। और आप मुझे बताइए स्वामीनाथन जी खुद अगर तारीफ कर रहे हैं भाजपा की ट्वीट करके, झूठ है, झूठ। कोई लागू कर रहा है तो वो बीजेपी है, क्या वो गलत कर रहे हैं? अगर मोदी जी को कोना हाउस में खड़े होकर कह दें, मुझे बताइए, मैं जयप्रकाश जी इनसे सवाल करना चाहता हूं। मेहराजी आप पहले स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट पढ़ लो, सिफारिशों में है कि नहीं है फसल की लागत, आप पहले पढ़ के आओ उसको। फसल की लागत का डेढ़ गुना मूल्य मिलना चाहिए स्वामीनाथन जी ने, लागत के प्लस किसान को डायरेक्ट मार्केटिंग, तो यही तो पूछे है ना, उसके अंदर दो हिस्से उसके, किसान को ओपन मार्केट मिलनी चाहिए स्वामीनाथन जी ने ये कहा था कि नहीं कहा था? किसान अपनी फसल का दाम खुद तय करे। गोगी जी कुछ कह रहे हैं, फिर आप अपनी बात रखिएगा। नेहरा जी रुकिए, गोगी जी जयप्रकाश जी मुझे कहने का समय तो दीजिए। नहीं सर आप ही कह रहे हैं, हम तो सुन रहे हैं, आप गोगी जी की बात सुन लीजिए फिर आप कहिए। मेरा जी आप ही बोल रहे हो इतनी देर से, आप सुन नहीं रहे। सर मेरा ये सवाल है कि स्वामीनाथन योग में C1 और C2 है, मेरा जी बताएं कि C1 प्लस प्रॉफिट दिया है या C2 प्लस दिया है? और मेरा जी को स्वामीनाथन योग की पता होना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है। ये जो तीन एक्ट पास किए ये स्वामीनाथन योग की देन नहीं है, ना किसी किसान यूनियन की डिमांड है, ये इनके अडानी और अंबानी की डिमांड है। उसको पूरा करने के लिए किसान को सड़क पे उतार दिया, और अन्नदाता को आज ये नक्सलवादी कहते हैं बीजेपी वाले, कि अन्नदाता अगर नक्सलवादी है तो ये फिर रोटी कहां से खाएंगे? ये देखिए किसान भारत माता के बच्चे नहीं है। सुन लीजिए अब देखिए जयप्रकाश जी, एक तो इन्होंने जो बात की कि किसानों ने कौन सी इनकम, सुना रहा हूँ आपको, आप बताओ C1 और C2 में कौन सा लागू किया है आपने? अरे मैं बताता रहा हूँ, झूठ बोलने से तो किसी का पेट नहीं भरेगा, आप सुन तो लीजिए पहले, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले आपने सबसे पहले जो मुद्दा उठाया कि किसानों ने कौन सी मांग करी थी, जयप्रकाश जी मैं बताना चाहूंगा, चौधरी छोटू राम से लेके चौधरी देवीलाल तक जितने बताओ कौन सी मांग करी किसानों ने, ये तीन एक्ट बनाया आपने, उन्होंने सबने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। क्यों छोड़ी है? क्योंकि कांग्रेस कभी भी किसान का भला नहीं कर सकती। उन सबकी एक ही मांग थी, किसानों की एक ही मांग थी कि किसान अपनी फसल का दाम आपको, करे। आपको एक बात ही आती है, किसान को यह अधिकार दिया है आपको फसल का दाम, आपको कांग्रेस के खिलाफ बोलने के अलावा कोई बात नहीं आती, कोई काम आपने 6 साल में क्या किया वो बता दो ना। उसमें यही प्रावधान है कि किसान को अपनी लागत का डेढ़ गुना मूल्य मिलना चाहिए, और 2022 तक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा हुआ है कि किसान की तो आप कहो ना, आप अधिकारिक तौर पे कहो कि C2 प्लस दिया है हमने, वो अगर 1100 रुपए आती है तो आज हमने उसका रेट 1888 रुपए रखा हुआ है। यही फसल के लागत का डेढ़ गुना मूल्य का पैमाना है, एक क्विंटल पे जो उसका लागत आ रही है उसका डेढ़ गुना मूल्य, ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है, ये तो वही, ये तो पहले से ही जो आंकड़ा चलता आ रहा उसी आंकड़े की बात है। स्वामीनाथन योग के हिसाब से अगर C2 प्लस करोगे तो 3600 रुपए देंगे गेहूं के। जयप्रकाश जी मेरा आपके माध्यम से एक सवाल है कि 2006 से 2014 मैं बोलता हूँ की सिफारिशों को आपने लागू क्यों नहीं कराया? ठीक है गोगी साहब बताइए कि भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, ये तो दो रिपोर्ट ही 2014 में आई है, बता दीजिए कि अगर आप जनाब हितैषी किसानों के, जयप्रकाश साहब इनको बताओ कि रिपोर्ट ही 2014 में आई है कि 2006 से 2014 तक आपने, नहीं नेहरा साहब यही तो पूछे, अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो गई तो बेचारा सरकार किसान आप भी सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा है, आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है सड़क पे, और फिर सर एक सवाल ये है, अगर इतनी अच्छी व्यवस्था है तो विपक्ष को क्यों जगाना पड़ता है ना सरकार को? हम तो इस इश्यू पे बात कर रहे हैं ना। देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर जयप्रकाश जी विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, आपस में जवाब देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी अगर सी आपस में फूट है, अगर स्वामीनाथन के सी टू प्लस हरियाणा में, आप इनका संगठन देखिए, इनका संगठन नहीं है,
ये आपकी सिरदर्दी थोड़ी है, ये आप अपने घर को संभालो ना। हमारे यहाँ पे कोई फूट नहीं है, आप सुनते नहीं है, पहले सुन लीजिए थोड़ा। आप मेरे को देखिए, कांग्रेस खत्म हो गई हरियाणा प्रदेश से, ठीक है। गोगी साहब को बोला दीजिए एक मिनट, मेरी बात रुकिए एक बार। गोगी साहब कुछ कह रहे हैं फिर एक एक करके, क्योंकि फिर आवाज लोगों को सही तरीके से मिल नहीं पाती है। ठीक है गोगी साहब, रखिएगा, आखिरी मिनट मैं आखिरी मिनट गोगी साहब को, एक मिनट आपको दूंगा सर। मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूँ, कहिए गोगी। जेपी साहब मेरी दो बातें जी, अगर C2 प्लस प्रॉफिट दिया होता तो गेहूं का रेट जो है वो 1800 रुपए नहीं 3600 रुपए होना चाहिए था। आप दूसरी बात ये है कि 6000 होना चाहिए था। अगर सरकार के ऊपर किसान का विश्वास होता तो कुमारी शैलजा के लेटर की तकलीफ क्यों है इतनी? अगर ये किसानों के हित की सरकार है तो कुमारी शैलजा के लेटर की इतनी तकलीफ क्यों है? बीजेपी को क्यों तकलीफ है? पूरे देश का किसान सड़क पे क्यों है? ठीक है नेहरा साहब, जवाब दीजिए आप, जवाब दीजिए नेहरा साहब, जो गोगी साहब ने सवाल उठाया जवाब। अन्नदाता को नक्सलवादी कहना इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है। अब आप इनको चुप रखना, मैं इनको जवाब देता हूँ। अरे जनाब आप मुझे ये बताइए, आज 3600 नहीं 6000 रुपए प्रति क्विंटल का रेट होना चाहिए था धान का गेहूं का। अगर आप 100 रुपए प्रति वर्ष भी बढ़ाते, आप मुझे बताइए 70 साल के देश के इतिहास में 60 साल आपका राज मान लेते हैं। हमारी सरकार का मैं रिकॉर्ड आपको देता हूँ, 2014 में गेहूं और धान सत्तर साल को रोकते रोकते ये 70 साल में लेके 5000 तक पैसे बढ़ाए। 70 साल में ही हमने देश को इस लायक बनाया कि मोदी जी तरफ देता हूँ जब हमारे मुकाबले का जहाज खरीद रहे, तो गेहूं का और धान का जो रेट था वो 1400। अरे जिस देश में कुपोषण से लोग मरते वहां का प्रधानमंत्री इतना महंगा जहाज खरीदता, शर्म नहीं आती क्या? चलिए सर, चलिए यही एक बड़ी, ये एक बड़ा आप कह सकते हैं दुर्भाग्य है कि सिर्फ किसानों के नाम पर सियासत होती है लेकिन अमर धरातल पर कुछ होता नहीं। किसान तो बेचारा वही मेहनत करता रहेगा, वही परेशान होता रहेगा। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया, गोगी साहब आपका भी और नेहरा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। तो सच यही है कि वाकई में राकेश कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ किसान नेता जुड़े। किसान बेचारा मेहनत करता है, खेत में काम करता रहेगा, वो ऐसे ही काम करता रहेगा, किसान शायद ही उद्योगपति बन पाए क्योंकि हालात यही रहते, क्योंकि सियासत होती है वोट बैंक के लिए। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।